Hey guys, what's up? Welcome to today's video. आज का वीडियो एक एविएशन वीडियो होने वाला है. जो लोग इस चैनल पर नए हैं मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है गौरव और मेरी खास बात है कि मेरे बाल कभी बनते नहीं है. मेरा नाम है गौरव और मैं पिछले 2018-2019 पिछले 11 साल से एविएशन में हूँ और मैं कमर्शियल पायलट हूँ. मुझे तीन चीज़ों से बहुत प्यार है, चाय, एविएशन और बॉडी बिल्डिंग. चार चीज़ों से, चाय, एविएशन, बॉडी बिल्डिंग और मेरी बीवी से. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक ऐसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं जिसमें कि आपको एक एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़े, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा नौबत आ गई. मुझे पता है बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे. मैं जब एविएशन में जस्ट घुसने की सोच रहा था तो मुझे सपने आते थे कि मैं एक दिन ऐसे बैठा हूं और दोनों पायलट्स को कुछ हो गया, वो बीमार हो गए और फिर कैबिन क्रू है मेरे पास, सर क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ मैम, आपकी मदद कर सकता हूँ. और मैंने झंडे गाड़ दिए, अगले दिन न्यूज़पेपर में मेरा फोटो छपा है. अगर आपको भी ऐसे सपने आते तो ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक एयरक्राफ्ट को कैसे लैंड कर सकते हैं सुरक्षित, एक पैसेंजर कैरियर एयरक्राफ्ट को, बड़े एयरक्राफ्ट को. इसमें चीनी बहुत थी, आई डोंट लाइक टी विद शुगर. पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लैंड करने से पहले मुझे आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीज बतानी पड़ेगी एयरक्राफ्ट के बारे में. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर से बताऊंगा आपको, लेकिन शुरू करते हैं. तो गाइस, बात है कुछ ऐसी आउट लैंड एंड एरोप्लेन. अब बात है ऐसी, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा. जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है, मान लीजिए ये है अगर हमारा रनवे, तो एयरक्राफ्ट आएगा अपना यहाँ से और ये हो गया लैंड. ठीक है, ये अपना एयरक्राफ्ट पाथ हो गया. तो बेसिकली एयरक्राफ्ट को, सो बेसिकली जब आप लैंड करने को आ रहे हैं तो आपका एयरक्राफ्ट जो है रनवे सेंटर लाइन से अलाइंड होना चाहिए. तो ये हो गया अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल में देखते हैं, और ऐसा देखेगा जब आप उसको वर्टिकल प्रोफाइल में देखते हैं. तो हमारे आज के मॉडर्न डे सिस्टम्स में ऑटोमेटेड सिस्टम जितने ज़्यादा हैं कि सिस्टम लगा हुआ है एक जो कि अपने आप एयरक्राफ्ट को रनवे की सिधाई में अलाइन करेगा और अपने आप एयरक्राफ्ट को प्रॉपर प्रोफाइल पे डिसेंड करवाएगा. अगर आप एयरक्राफ्ट लैंड कराने आ रहे हैं तो आपको इसी प्रोफाइल पे आना चाहिए. इसको बोलते हैं 3 डिग्री प्रोफाइल, जिसका एंगल 3 डिग्री होता है. आप ज़्यादा ऊपर ऐसे करके नहीं आ सकते, आप ज़्यादा लो ऐसे नहीं आ सकते. ऊपर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अगर ऊपर आएंगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप उस स्पीड पर लैंड नहीं कर पाएंगे. नीचे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि नीचे ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, होटल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, क्लोज टू द रनवे पेड़ पहाड़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो यू हैव टू फॉलो द करेक्ट पाथ विच इज़ द 3 डिग्री डिसेंट पॉइंट ऑफ द रनवे. तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइड स्लोप, मैं GS बोलूँगा. और जो सेंटर लाइन एयरक्राफ्ट ट्रैक करता है रनवे की, उसको बोलते हैं हम लोकलाइजर. तो मैं उसको लॉक करके दिखा दूंगा. ये हो गई आपकी स्टडी कंप्लीट, आपको इतना ही जानना था खाली. तो देखा आपने कितनी आसान पढ़ाई होती है एविएशन की, 2 मिनट में पढ़ा दी, ऑल्सो बिकॉज टीचर आपका स्टड है. तो मैंने आपको समझा दिया कि लोकलाइजर और ग्लाइड का इशू क्या होता है. हमको बेसिकली क्या करना है, वो जो लोकलाइजर और ग्लाइड की बीम होती है वो एयरपोर्ट पे सिस्टम्स लगे होते हैं, वो फेंकते हैं एयरक्राफ्ट की, और एयरक्राफ्ट का काम सिर्फ ये होता है कि आपको उसको कैच करना, उसको फॉलो करना है. पहले सिस्टम से एडवांस नहीं थे तो हमारे एयरक्राफ्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, हमें उनको देख के वो मैनुअली फ्लाई करनी पड़ती थी लोकलाइजर और ग्लाइड्स. तो लेकिन आज के टाइम पे इतने एडवांस सिस्टम्स हैं, ऑटो लैंडिंग सिस्टम है कि वो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लेती है. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है और आपको एयरक्राफ्ट को कमांड्स देने हैं. और कमांड्स क्या होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा. ये वीडियो में आगे जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ वेरी सेंसिटिव इशू. आपको इस टाइप के वीडियोस यूट्यूब पे और गूगल पे हज़ारों मिल जाएंगे. मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, मैं बहुत ही एक आसान तरीके में, सरल भाषा में अपने जो दोस्त भाई बहन हैं हिंदुस्तान के, उनके लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ. सबसे पहले आपको आपने करना है, अगर आप कॉकपिट में आएंगे तो आपने हेडसेट पड़ा होगा. अगर आप लेफ्ट सीट में बैठते हैं, आपके लेफ्ट सीट में यहाँ टंगे होते हैं साइड में, हेडसेट उठा के आपने पहन लेना है. और आप किसी से भी बात कर सकते हैं ऑन ग्राउंड, उससे थोड़ी हेल्प ले सकते हैं. ये जो बटन होता है आपके लेफ्ट साइड में स्टिक के ऊपर, इस बटन को दबा के आप किसी से भी बात कर सकते हैं. आप जिससे बात कर रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होगा जो कि ग्राउंड में बैठा होता है. आपके जहाज को वो देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, आपकी स्पीड उसको पता है, आपका ऑल्टीट्यूड उसको पता है, और आपका आइडेंटिफिकेशन कोड उसको पता है, आपका फ्लाइट नंबर उसको, बेसिकली आपके बारे में सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हैं. आपको अपने सामने एक पैनल देखेगा जिसको हम बोलते हैं FCU पैनल. उसमें कुछ नॉब्स होंगी जो आप घुमा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं. उस FCU पैनल को आपने यूज़ करना है लैंडिंग के लिए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू विल नीड. मेजर थिंग जो आपको चाहिए होगी दैट इज़ द FCU पैनल. अब आपने मेन काम करना है, आपने देखना है नीचे, जब जो पेडिस्टल होता है नीचे उसमें आपको एक बॉक्स जैसा कुछ दिखाई देगा और उसमें कुछ कीज होंगे. उस कीज में आपने क्या करना है, आपने पर्फ पेज पे जाना है. जैसे ही आप पर्फ पेज पे जाएंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिवेट अप्रोच फेज, आपने वो अप्रोच फेज एक्टिवेट कर देना है. उससे बेसिकली क्या होता है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग मोड में आ जाता है. उस बटन को प्रेस करने से क्या होता है कि एयरक्राफ्ट अप्रोच मोड में आ जाता है. अप्रोच मोड मतलब लैंडिंग मोड में आ जाता है और अपनी स्पीड वो अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम करने लगता है. उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका FCU पैनल है उसमें जो सबसे लेफ्ट साइड की नॉब है
उसको आपने करना है पुश। पुश करने से मतलब आप एयरक्राफ्ट की स्पीड आप कम कर देंगे, उसको आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे स्पीड चेंज हो रही है, बट आपने उसको छेड़ना नहीं है, उसको आप बस पुश कर दीजिए। जैसे ही आप पुश करेंगे अपने आप एयरक्राफ्ट की स्पीड कम होने लगेगी और वो अपनी लैंडिंग स्पीड की ओर आने लगेगा। उसके बाद आपने काम करना है, जो मैंने आपको बटन बताया उस पर आपको प्रेस करके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करनी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपको दो चीज़ देगा, वो देगा आपको हेडिंग और वो देगा आपको ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का जो नॉब है वो ये वाला नॉब होता है, इसको आप घुमा सकते हैं तो ऑल्टीट्यूड चेंज होगा। आप इसने क्या करना है, आप इसको घुमाएंगे, जो भी ऑल्टीट्यूड उसने आपको दिया है मसलन 3000, 4000 या 4200, 4600 जो भी ऑल्टीट्यूड दिया है आप उसको घुमा सकते हैं और अपना ऑल्टीट्यूड सेट कर सकते हैं, वो सेट हो जाएगा। एयरक्राफ्ट को डिसेंड कराने के लिए आपको उस ऑल्टीट्यूड नॉब को खींचना पड़ेगा, जैसे ही आप खींचेंगे एयरक्राफ्ट उस लेवल पे जाने लगेगा जो आपने वहाँ पे सेट किया है। दूसरी चीज़, कंट्रोलर आपको एक हेडिंग देगा, जो हेडिंग का नॉब होता है वो बीच में होता है ऑल्टीट्यूड नॉब और स्पीड नॉब के। आप उसको घुमा सकते हैं, जैसे ही घुमाएंगे वो चेंज होने लगेगा और जैसे ही आप खींचेंगे उस नॉब को एयरक्राफ्ट टर्न कर जाएगा उस पर्टिकुलर हेडिंग पे। कंट्रोलर आपको एक ऐसी हेडिंग देगा जहाँ पे आप लोकलाइजर पे जाके इंटरसेप्ट करेंगे उसको। मिसाल के तौर पे आपका एयरक्राफ्ट अगर कहीं यहाँ पे है और ऐसे कहीं फ्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एयरक्राफ्ट कंट्रोलर आपको क्या करेगा, वो आपको यहाँ पे ला के छोड़ देगा और आपको एक हेडिंग दे देगा इस डायरेक्शन की हेडिंग, जो आपको लोकलाइजर पे इंटरसेप्ट देगी ऐसे जाके। जब आप यहाँ पहुँचेंगे आपने टर्न करना है टुवर्ड्स दी रनवे सो दैट यू गेट अलाइंड विद दी सेंटर लाइन ऑफ दी रनवे। अब ये कंट्रोलर आपको ये वाली हेडिंग देगा फाइनल, और आपने टर्न करना है वो आपने खुद करना है, जो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। आपने एक और चीज़ करनी है, आप ऑटो ब्रेक सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो ब्रेक का मतलब क्या है, जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड होगा अपने आप ब्रेक लगनी शुरू हो जाएंगी, आपको कोई ब्रेक नहीं लगानी। आप उसमें तीन ऑप्शन होते हैं, लो, मीडियम, मैक्स। आपने सेलेक्ट करना है मीडियम, जैसी एयरक्राफ्ट का वेट उसके व्हील्स पे आता है वो ब्रेक लगना चालू हो जाती है। एक बार आप रनवे की तरफ टर्न हो गए, फाइनल इंटरसेप्ट हेडिंग आपको कंट्रोलर ने दे दी, आपने उसको सेट कर लिया, आपने उसको पुल कर लिया। अब आपने एक काम करना है, आप देखेंगे क्योंकि जब आपने स्पीड पहले कम करना शुरू की थी, स्पीड एक टाइम पे आके रुक गई होगी, उससे ज़्यादा कम नहीं हो रही होगी। स्पीड को और कम करने के लिए आपको लेने हैं फ्लैप्स, वो विंग के एरिया को चेंज करते हैं, विंग के कैम्बर को चेंज करते हैं, सो दैट दी एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसेस मोर लिफ्ट। आपने धीरे धीरे करके फ्लैप लीवर को चेंज करना है। एक फ्लैप लीवर को आप चेंज करेंगे, स्पीड दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद स्पीड कम होना बंद हो जाएगी, फिर आप उसको दोबारा चेंज करेंगे, फिर स्पीड कम होना को टक 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 करके एक एक करके सारे सारे वो फ्लैप लेने जब तक स्पीड फाइनली कम ना हो जाए। अब आती है सबसे मेन चीज़, आपने क्या करना है, FCU पैनल पे एक बटन होगा जिसमें लिखा होगा अप्रोच, आपको वो आर्म करना है। जैसे ही आप आर्म करेंगे उस बटन पे एक हरी लाइट आ जाएगी, उस हरी लाइट आने का मतलब ये है कि अब आपका काम हो गया फिनिश, एयरक्राफ्ट रनवे की सिधाई में अपने आप टर्न करेगा। मतलब अगर वो ऐसे जा रहा था, रनवे आपका सामने है, ऐसे जाके वो अपने आप वो पर, क्योंकि रनवे की सिधाई से जो बीम आ रही ना, जो लॉक बीम समझाई थी आपको, वो एयरक्राफ्ट उस बीम को कैच कर लेता है और ऐसे जाते ही अपने आप ठग। जब ये सिस्टम नहीं था तो हम लोग मैनुअली टर्न करते थे, बट आजकल वो ऑटोमेटिकली टक से कर लेता है, और जैसे ही एयरक्राफ्ट उस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे उसको डिसेंड स्टार्ट करना है फॉर फाइनल लैंडिंग, वो भी एयरक्राफ्ट अपने आप ही करेगा। कितना सिंपल है, नहीं तो जैसे ही आप रनवे की सिधाई में आ जाएंगे, रनवे से अलाइन हो जाएंगे, आपने एक फाइनल काम करना है, आपने करना है टक से गियर डाउन। जो गियर लीवर हैंडल है वो आप डाउन करेंगे, उससे क्या होगा, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग गियर सारी नीचे आ जाएंगी और वो लॉक हो जाएंगी। एक बार आपकी गियर डाउन हो गई, आपने फाइनल डिसेंट स्टार्ट कर दिया रनवे के ऊपर, बस उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ऑटो पायलट ऑलरेडी आम था। अब इसके बाद आता है आखिरी काम, आपने क्या करना है, जब आप लैंड हो गए, जब आप रनवे पे हैं, ब्रेक्स लग रही है, एयरक्राफ्ट धीरे हो रहा है, आपको एयरक्राफ्ट में एक कॉल आएगी, रिटार्ड। वो कहता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप रिटार्ड हैं, ऐसा मतलब नहीं है, मतलब ये कि आपको जो थ्रस्ट लीवर्स हैं वो आइडल करना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोबारा इंजन स्पूल अप हो जाएंगे और आप दोबारा टेक ऑफ की तैयारी में रहेंगे, जो ऐसा नहीं चाहिए आपको। जैसे ही आप लैंड हो जाएं, टच डाउन हो जाएं, लंबी सांस लीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए और थ्रस्ट लीवर्स को रिटार्ड करके आइडल कर दीजिए। आपने एक फाइनल स्टेप करना है, आपने अपना कैमरा निकालना और आपने अपनी सेल्फी लेनी है, क्योंकि आप बहुत ही फेमस होने वाले हैं, कल के अखबारों में आपकी नाम आएगी, न्यूज़ में आपकी नाम आएगी और पूरे देश में आपकी जय जयकार होगी। और जब जय जयकार हो तो मुझे मत भूल जाइएगा, क्योंकि आपने वीडियो देखा था और आपकी जय जयकार हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, ये था बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वीडियो, एक फन वीडियो है ये। ऑब्वियसली मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए, मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स कवर किए और इस वीडियो को एक शॉर्ट और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चाहिएगा, मेरे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और जय हिंद।